साथियों, आज मैं आपको एक नए फ्रॉड के बारे में बताना चाहूँगा। ये है वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। ये एक साइबर फ्रॉड का सबसे लेटेस्ट तरीका सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग बाग आपकी आवाज़ की नकल कर सकते हैं, उसके टूल्स लेकर के, और फिर उस नकली आवाज़ से पेरेंट्स से, भाई बहन से, पति पत्नी से जो है पैसा वसूल कर ले रहे हैं, फ्रॉड कर ले रहे हैं। ये आपका रिलेटिव बन के, आपका अपना आदमी बन करके बोलते हैं कि मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे को पैसा ट्रांसफ़र कर दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो। कभी बोलते हैं कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, बच्चा बोल रहा हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया है और आप इनको पैसा ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब नए तरीके हैं साइबर अपराधियों के आपको जाल में फंसाने के, और इनके जाल में नहीं फंसना है। इनको कोई QR कोड नहीं देना है, कोई OTP नहीं देना है, कोई पैसा इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। मैं ये भी बता दूं कि ये वॉइस क्लोनिंग इतनी क्लोज है कि एक सैंपल में पाया गया कि 85% लोग इस वॉइस क्लोनिंग के जाल में आ गए, यानी कि बहुत ही क्लोज वॉइस कर लेते हैं ये लोग। तो हमें इस जाल में बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं आपको इस तरह के वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड से बचने के 3-4 बेसिक तरीके बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप शक करें, जो ही उसने पैसा मांगा आप शक करें, उसकी इंक्वायरी शुरू कर दें। आप कहें कि आप एक मिनट बस फ़ोन काट दीजिए, मैं आपको मुझे 2 मिनट बाद लगाइए, 2 मिनट का समय लें, और तब तक आप काट करके फ़ोन अपने रियल नंबर पे अपने उस रिलेटिव जो बनने की कोशिश कर रहा है, पति पत्नी, बेटा, हस्बैंड वाइफ या माता पिता, कुछ भी बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप जो है वो फ़ोन लगाइए उसको, और आपको पता चल जाएगा अपने आप की फ्रॉड था कि नहीं था। आपको कभी भी एकदम इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। लोग बाग इमोशनल हो जाते हैं कि हाय मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आप कम से कम 2 मिनट दीजिए, इंक्वायरी करिए, वेरीफाई करिए, इमीडिएट ट्रांसफ़र मत करिए। वेरीफाई करने के लिए आपको एक और बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। जब आपका आदमी बन करके कोई कॉल कर रहा है, या आपकी बेटी बन रही है, आपकी पत्नी बन रही है, आपकी माता जी बन के कॉल कर रहे हैं, तो आप उनसे एक पारिवारिक सवाल पूछ लीजिए जो आम आदमी को नहीं आता हो। यानी नानी का नाम, दादी का नाम किसी को नहीं होगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड वगैरह में जो डाटा किसी और पे हो सकता है जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें माता पिता का रहता है, दादा दादी का तो कभी नहीं रहता। तो इस तरह के एक दो पारिवारिक सवाल पूछने से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो मैं पुनः आप सबको अपील करता हूँ कि आप इसके प्रति अलर्ट होइए, और अपने दोस्तों को, साथियों को, परिवारजनों को, सबको इस साइबर क्लोनिंग फ्रॉड के बारे में अलर्ट करिए। और आपके साथ किसी तरह फाइनली ये साइबर फ्रॉड हो ही जाता है तो 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन है उस पर कॉल करिए, उस पर कंप्लेंट लॉज कराइए, और पुलिस को भी, अपने निकट की पुलिस को भी कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।